भैया आ गए हैं, इनकी गाड़ी में जो प्रॉब्लम थे वो ठीक करा लिए। कोला का डिस्टेंस है 25, खुटार है 50। सामने दिख रहे हैं पहाड़, तो जिसका था मैं बहुत बेसब्री के साथ इंतजार। गोदाम यहाँ से मात्र है 47 किलोमीटर। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं काठगोदाम और रास्ता बेहद ही खूबसूरत था। जैसे कोई नदी पास कर रही है। गाइस, वी हैव जस्ट क्रॉस्ड लखीमपुर। गोला वाले रोड पे हम लोग आगे बढ़े हुए हैं और अभी हम पहुंच गए हैं अन्नपूर्णा ढाबा और यहाँ पे हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। देख सकते हैं मेरे पीछे लाइन है। हमारे जखीरे में शामिल है 6 डिफरेंट तरह की बाइक। अभी एक है सबसे पहले डोमिनोर, उसके बाद है थंडरबर्ड 500 cc, थर्ड बाइक है हमारी मेट्योर ये रही, और फोर्थ बाइक है हमारी थंडरबर्ड 350x, उसके बाद है हमारी इलेक्ट्रा, और लास्ट वन मेरी बाइक है थंडरबर्ड 350 cc। तो इन 6 बाइक के साथ अभी हम राइड कर रहे हैं और अभी हमारे एक जो राइडर भैया विवेक जी, उनकी इलेक्ट्रा में कुछ प्रॉब्लम है, उसको वो ठीक करा रहे हैं, और जैसे वो आते हैं तो इस जखीरे में हमारी 7वीं बाइक शामिल हो जाएगी और उसके बाद हम अपनी राइड को कंटिन्यू करेंगे। हमारी 7वीं बाइक आ चुकी है इधर, भैया आ गए हैं, इनकी गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी वो ठीक करा लिए। चार्जर की प्रॉब्लम थी, बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। बस अब यहाँ से निकलते हैं और मिलता हूँ मैं सीधे आपको मोटर ब्लॉक पे। तो ऑलराइट, यहाँ से निकलने का वक्त आ चला है, लाइन अप होते हुए हम लोग। तो गाइज, अन्नपूर्णा ढाबा हम लोग पहुंचे थे 9:30 बजे और वक्त हो चुका है 11। गर्मी गाइज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया है, 33 डिग्री पहुंच चुका है अभी टेम्परेचर। और यहाँ से गोला का डिस्टेंस है 25, खुटार है 50 और 85 है हमारा पूरनपुर। गोला, खुटार और पूरनपुर होते हुए हम जाएंगे पीलीभीत और पीलीभीत से हम डाइवर्ट होंगे। तो गाइज बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और थोड़ी सी प्रे करिए कि रास्ता थोड़ा सा आनंददायक हो जाए। अरे वाह, क्या बात है, बोलते ही धूप आउट, और देखते हैं ये कितनी देर के लिए हमें राहत मिलती है। तो अभी मनीष भैया हमें लीड कर रहे हैं और विवेक भैया शायद बाद में अभी लीड करेंगे। मैं चल रहा हूँ अभी 3rd नंबर पे, मेरे पीछे भी अभी 4 लोग हैं। तो जब भी आप राइड पे निकलते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है के व्हीकल में, इनसे घबराना नहीं गाइस, प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करवाइए, अपनी राइड को बढ़ाइए आगे। और जब भी आप ग्रुप राइड करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि भाई प्रॉब्लम कुछ भी हो, कोई ना कोई सोल्यूशन मिलके सारे लोग निकाल ही लेंगे। मॉर्निंग का वक्त था, अभी गैराजेस नहीं खुले हुए थे, बट भैया के जानने वाले लोग थे यहाँ पे जो आरी राइड करते हैं और इस ग्रुप से जुड़े रह चुके, उन लोगों ने लोग अरेंजमेंट करके भैया की बाइक ठीक करवा दी। अभी भी ऑलराइट गाइज, अभी हम लोग पहुंच गए हैं गोला और बारिश कभी भी आ सकती है, मौसम एकदम सुहाना हो रखा है। बस थोड़ा सा डर यह है कि बारिश आ गई तो राइड को बीच में होल्ड ना करना पड़े, कि बारिश होते होते तो शायद हम लोग नहीं राइड करेंगे। तो यही मना रहे हैं कि बारिश ना है, बस मौसम ऐसा बना रहा है, बादल हैं। और यहाँ से पीलीभीत का डिस्टेंस है 103 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं और अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा डर मुझे गाइस लगता है ई रिक्शा से, क्योंकि इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, कभी भी किसी भी समय कैसे भी किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, ना कोई इंडिकेटर, ना हेडलाइट, ना टेल लाइट, यार इतने ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल ई रिक्शा वालों। भाई साहब, खुद की नहीं फिक्र है तो कम से कम उसमें बैठे पब्लिक की तो फिक्र कर लो। जिन लोगों से आप कमा रहे हो, जिनसे आपकी रोजी रोटी चल रही है, उनकी जान को भी रिस्क में रख के आप ऐसे ही रिक्शा ड्राइव करते हो। भाई अगर मेरा कोई वीडियो ई रिक्शा वाला देख रहा है तो भैया हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि सुधर जाओ। और बारिश की बूंद गाइस पड़ने लगी हैं और देखते हैं कि क्या करना है आगे।
भाई साहब हम लोग पहुंच चुके हैं खुटार के अंदर और बारिश आई थी बट हुई नहीं जैसा हम सोच रहे थे कि हो ना। हमें जाना है स्ट्रेट और ये रास्ता कटा हुआ है दुधवा नेशनल पार्क के लिए। राइट साइड में आप देख सकते हैं 52 किलोमीटर यहाँ से बसता है दुधवा। तो इस वाले रास्ते पे गाइस मैं पहली बार जा रहा हूँ। रोड की बात करें तो रोड लगभग ठीक ही है, बीच में सिंगल रोड है बट काफी चौड़ी रोड है, आराम से आप चल सकते हैं, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। रोड कंडीशन काफी अच्छी है। ऑलराइट गाइस, टाइम अपडेट कर देता हूँ आप लोगों को। अभी वो चला है दोपहर का 1:30 और हम निकले थे मॉर्निंग में 6:30 अराउंड में। डिस्टेंस हमने अराउंड 300 किलोमीटर का कवर कर लिया है। पूरनपुर क्रॉस करने के बाद अभी हमने फिर से एक छोटा वाला चाय वाला ब्रेक लिया था। हमारे जो छोटू ब्रेक होते हैं वो थोड़े थोड़े लंबे हो जाते हैं। टाइमली निकले हैं और टाइमली ही पहुंचेंगे। सफिशियंट डिस्टेंस हमने कवर कर ली है इस टाइम स्पैन में, ऑन टारगेट ही है। अभी हमने 5 बजे पहुंचने का टारगेट किया हुआ है अपने स्टे में। हमारा जो आज का स्टे है वो श्यामखेत विलेज में है और श्यामखेत विलेज जो है वो नैनीताल के आसपास ही पड़ता है, मतलब 16-17 किलोमीटर अराउंड है वहाँ से, बोल सकते हैं भुवाली के बहुत ही करीब है। और ये जो श्यामखेत विलेज है ना वो रामबाग ब्लॉक में पड़ता है। गाइस सितारगंज में आपका स्वागत है और यहाँ पे मोस्टली मैं देख रहा हूँ या तो मुस्लिम्स दिख रहे हैं या सिख दिख रहे हैं। हमने पूरनपुर को क्रॉस किया तब से मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो रोड पे मुझे दिख रही है वो सिख दिख रहे हैं और इंडिकेशन होता हुआ कि हमें यहाँ से लेना है राइट सितारगंज से। और डिस्टेंसेस आपको बता देता हूँ, खटीमा इज 25 किलोमीटर, टनकपुर इज 51 किलोमीटर। तो हम टनकपुर होते हुए जाएंगे आगे नैनीताल। नैनीताल के अंदर घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे ये अभी क्लियर नहीं है कि हमारा जो स्टे है वो तो श्यामखेत विलेज में है। पांच लोग जाते हुए और ये है हमारे सातवें मनीष भैया, मैं हो गया हूँ 7th पोजीशन पे। सारे राइडर्स आ चुके हैं, हम लोगों ने वहाँ पे वेट किया था थोड़ा सा कि सारे लोग आ जाएं। इनफैक्ट हम लोग लगभग साथ ही चल रहे हैं बट फिर भी जहाँ पे डाइवर्जन होता है तो हम लोग रुक के एक दूसरे का वेट करते हैं ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो और कंफ्यूजन जैसी स्थिति अगर पैदा होती है तो टाइम वेस्ट ना हो। वाला पैस थोड़ा सा गड़बड़ लगता हुआ, अभी तक जो गाइस रास्ता मिला है उसमें पूरनपुर के पास का थोड़ा सा पैच गड़बड़ था, बाकी अगर ओवरऑल हम बात करें तो रोड काफी अच्छी है। इनफैक्ट सिंगल रोड पे भी आप आराम से 80-90 के आसपास क्रूज कर सकते हो बिना किसी टेंशन वाली बात के। चलिए हियर वी गो अगेन और अभी लीड करेंगे हमारे मनीष भैया। और गाइस मौसम बहुत तेजी के साथ बदलता हुआ और जितना खूबसूरत ये नज़ारा दिख रहा है मौसम का उतना ही खूबसूरत नज़ारा बादलों से ढका हुआ मेरे सामने है क्योंकि मेरे सामने दिख रहे हैं पहाड़। तो जिसका था हमें बहुत बेसब्री के साथ इंतजार वो पहाड़ हमारी नजरों के सामने आ चुके हैं। गाइस देखते हैं इन पहाड़ों तक पहुंचते हुए हमें बारिश मिल जाती है क्या। ये ठंडी ठंडी हवा जो शरीर के अंदर अब जा रही है ना गर्मी से भाई साहब अब ये जो राहत दे रही है, मन कर रहा है कि मौसम ऐसा ही बिल्कुल रहे बारिश ना हो बस, क्योंकि बारिश होगी तो भाई ये व्लॉग हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि कैमरे का वाटरप्रूफ कवर अभी हम लेके आए नहीं है। मनाओ यार बारिश ना हो और हम ऐसे ही पहाड़ों तक आपसे बातचीत करते हुए पहुंच जाएं। और काठगोदाम यहाँ से मात्र है 47 किलोमीटर। गाइस ये वाला जो एरिया आप मेरे लेफ्ट और राइट साइड में देख पा रहे हो ये सिडिकुल वाला एरिया है, सारा इंडस्ट्री इधर की साइड है, रुद्रपुर के अलोंग है पड़ता है ये। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं काठगोदाम और रास्ता बेहद ही खूबसूरत था। मौसम ने कई बार चेंजेस मारे हैं, बीच बीच में बारिश आती रही, ऐसी भी नहीं बारिश थी कि हम लोगों को रुकना पड़ता, तो हम लोग धीरे धीरे चलते रहे और फाइनली 3:30 बज गया है। काठगोदाम पे थोड़ी सी देर हम लोग हाल्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी ले रहे हैं। भीमताल का डिस्टेंस यहाँ से करीब 20 किलोमीटर बचता है और नैनीताल के लिए रास्ता यहीं से डाइवर्ट होता है, तो अगर आपको नैनीताल जाना है तो आप काठगोदाम से डाइवर्ट होकर नैनीताल की तरफ जा सकते हैं। ट्रेन मार्ग द्वारा अगर आपको आना है तो काठगोदाम ही लास्ट स्टेशन होता है इस रूट का, तो काठगोदाम में आप उतर के नैनीताल के लिए जा सकते हैं, बसेस वगैरह ले सकते हैं। और नैनीताल का जो डिस्टेंस है यहाँ से 33 किलोमीटर के अराउंड है।
ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं होटल रिलैक्स इन से वापस। रेस्टोरेंट का नाम है जायका। बरेली से आएंगे या सितारगंज से आएंगे तो टी पॉइंट का जंक्शन है ये, जायका रेस्टोरेंट पड़ता है। तो यहाँ पे रिफ्रेशमेंट वगैरह हुआ है कुछ, और इसके बाद हम लोग अब सीधा निकल रहे हैं यहाँ से भीमताल के लिए। भीमताल का डिस्टेंस मेरे सामने आप देख सकते हो, 19 किलोमीटर लिखा हुआ है। आगे वो गए हैं क्या? अभी अरुण सर गए हैं ना। चलिए पहले भी मैं काठगोदाम आया हूँ। लास्ट ट्रिप जो मैंने फैमिली के साथ उत्तराखंड को पूरा एक्सप्लोर किया था, कौसानी वगैरह उस वीडियोस में कवर है। तो अगर आपने मेरी उत्तराखंड वाली वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तक, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप उत्तराखंड वाले सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। अरुण सर अभी हमारे आगे चल रहे हैं और बाकी सारे लोग पीछे हैं, तो आई थिंक अरुण सर को वेट कर लेना चाहिए। नज़ारा बेहद खूबसूरत दिख रहा है अभी, ऊँचे ऊँचे पहाड़, ये सारे पहाड़ एकदम ग्रीन है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। बहुत ही आराम से चलेंगे हम लोग अभी धीरे धीरे। नीचे से कोई नदी पास कर रही है, रॉयल इनफील्ड का यहाँ पे सर्विस सेंटर और शोरूम दोनों है काठगोदाम में। गाड़ी वालों अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आप बाइक अपनी रिपेयर करवा सकते हैं। तो इधर ही से डाइवर्ट हो रहा है रूट नैनीताल और भीमताल का। रानीखेत की भी डिस्टेंस 83 किलोमीटर है। रानीखेत भी हमने अपनी वीडियो में कवर किया था लास्ट टाइम। और बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे कर्व्स शुरू हो गए हैं। वाओ क्या नजारा है भाई साहब। नहीं पीछे पीछे पीछे, आगे सिर्फ अरुण सर है, अरुण सर हैं सिर्फ आगे। गाइस हो गया थोड़ा सा बवाल, हमारे एक राइडर साथी हर्षित वो पीछे छूट गया।